हेलो फ्रेंड, लव मैरिज कपल में आपको स्वागत है। पूर्णिमा है, आज शनिवार है, तो हम आज बना रहे हैं ब्लॉग वीडियो और भी आप लोगों के लिए कि आप लोग हमको बोले कि हम जा सकते हैं कि नहीं रक्षाबंधन पे। ऐसे तो सब बहुत तंग कर रहा है, मतलब मेरा अपना बट भाई ने जहाँ हम भागे थे ना वहाँ, मतलब जब गए थे ना भाग कर शादी करके, तो जहाँ पे रेंट पे रहते थे ना एक भैया थे, तो मतलब वो बोलते थे हमारा भाई हमारा बहन नहीं है, तुम मेरा बहन बनोगे, मतलब रक्षा भाव। उनको बहाने के लिए कोई नहीं था, तो हम बोले जरूर बनाएंगे आपको, तो हम बहानते थे, तो अगले साल बहाने थे तो हमको दिए थे, मतलब सूट गिफ्ट किए थे, तो सूट भी गिफ्ट किए थे और पैसा भी दिए थे, तो हम बट पैसा वैसा के लिए कुछ नहीं, मगर उनको अच्छा लगता है। तो मेरे को इस बार भी बोले कि नंदिनी, भाभी बोले कि नहीं आएगी नंदिनी तुम बहाने के लिए भैया को, तो हम बोले भाभी ऐसा सब मतलब बाबू हुआ है, 21 दिन होगा तब तो हम आएंगे ना, तो बोले कि आपका भी कहना तो सही है कि 21 दिन होगा तब, तो वो बोल रहे कि आ सकते हैं तो प्लीज़ आइए, तो हम बोल रहे हम नहीं आ पाएंगे तो आप ही आ जाइए, तो हम बहान देंगे। और मेरा कोई अपना भाई है नहीं, वही अपना एक भाई अपना जैसे मतलब ये करते हैं कि जैसे क्या बताएं, अपना होता है ना एक अपना फील, जैसे कभी अकेला मतलब ये नहीं करते हैं कि नंदिनी तुम अकेला हो, हम हैं तुम्हारा हर चीज़ में साथ देने के लिए। तो हम उनको तो आज फ़ोन किए थे तो बोले भैया, तो भैया वही बोल रहे थे कि आएगी नहीं नंदिनी, तो हम बोले आप खुद ही आ जाइए हमारे घर पे, हम बहान देंगे, हम तो जा नहीं सकते, बोलते 21 दिन के बाद 21 दिन तक कहीं नहीं जाना चाहिए, छुआछूत रहता है, तो हम वही बोल रहे थे, तो देखिए कल जा पाएंगे कि नहीं। सो बोल अगल बगल के वाला से पूछ रहे हैं, तो बोले 21 दिन कहाँ जाएगी छुटका में, तो हम बोले बात तो सही है, 21 दिन कहाँ से जाएंगे, तो और अभी तक तो मैं बाबू को भी तो हम तेल मालिश करके सुला दिए हैं, अभी वो सोया हुआ है, मतलब तेल उल लगा के मालिश कर दिए हैं, हम मालिश कर दिए ना आराम से सोया है, देखिए तेल उल लगा दी, काजल लगा दी, अभी आँख में नहीं लगाया है, तो हम मेरा तो दिन पूरे में टाइम लगेगा, तो दिन पूरे का तब तो हम कुछ करेंगे, तो सोच रहे हैं जाए कि नहीं जाए, कंफ्यूजन में पड़ रहे हैं हम, तो देखते हैं जा पाते हैं तो मन कर रहा जाने का, मगर हम जा भी कैसे सकते हैं ऐसा में। हम सोच रहे थे, अब तो अगल बगल का भी बोल रहा है कि नहीं जा सकती है, पूछे तो और उनसे भी आएंगे तो हम पूछेंगे तो भी, और मेरा तबीयत हमेशा मतलब ख़राब रहता है आपको तो पता है, हमेशा डॉक्टर पास और जाते हैं, थोड़ा ठीक लगता है तो हमको अच्छा लगता है तो हम थोड़ा बनाते हैं, अब वरना नहीं। और दे क्या बोले, वो आएंगे तो हमेशा मतलब मेरा मतलब तकलीफ होते रहता है दर्द, और अभी हम बोल रहे हैं कि उनको कि आप ही आ जाने फ़ोन करके, जैसा देखेंगे स्थिति, अगर जो हमको यहाँ से थोड़ा दूर भी तो रहता है ना साक्षी, मतलब हम जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ से दूर है थोड़ा साक्षी, तो साक्षी में रहते हैं तो आएंगे, तो अगर जो बोलेंगे जाने तो देखते हैं जाएंगे, वरना हमको लग रहा है कि नहीं हम जा पाएंगे, आ जाने का भी स्थिति अच्छा नहीं है, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता साक्षी से, मेरे यहाँ से लगभग ज़्यादा तो नहीं फिर भी लग ही जाएगा टाइम, आधा घंटा का रास्ता है, तो हम देख नहीं जा पाएंगे सोच रहे हैं, और तबीयत भी अच्छा नहीं रहता है ना, तो वो आप लोग प्लीज़ ब्लॉक में बने रहिए, और अगर जो जैसा होगा वैसा हम आपको बताएंगे, अगर जो जाएंगे तो ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे वहाँ का, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट भी कीजिएगा, हमें बहुत दरकार है सपोर्ट का, क्यों ऐसा स्थिति में कोई भी नहीं और हम बता भी नहीं सकते हैं कि हम कितना दर्द में गुजरते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए, और हम बताने आप जिनको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब, और जिनको अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, वो भी हम नहीं बोल रहे कि आप लोग कीजिए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए।